हाई वेलकम बैक, दिस इज दीपक। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट 2023 जेई मेंस जो पहला सेशन जैन का देने वाला है और जो भी दूसरा देने वाला है। तो आप सबको पता है डेट आ चुकी है जो पहले सेशन की है, 24 से 31 तक आपका एग्ज़ाम होगा जेई का। सो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो स्टूडेंट्स हमेशा गलती कर जाती है। मेरे टाइम पे मैंने एक चीज़ गलती की थी। सो इस वीडियो के अंदर वो चीज़ें मैं बताऊंगा। और आप सबको पता है बहुत जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो 24 जैन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो 20 जैन तक आपके जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप जो चीज़ें हैं वो फॉलो करना, ठीक है, एंड द टाइम जो सेंटर आप विजिट करते हो। तो उससे पहले आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एग्ज़ाम देते हैं ना, मे बी उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे गलती कर देते हैं। और वो गलती अगर कोई पहले बताए ना तो वो बंदा गलती नहीं कर पाता है। सो इसी वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा जो मैंने गलती की थी। और मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ आपको अगर मैं पहले बता दूँ तो एंड द टाइम वो चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो या उनसे बच सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, तो देखो वन सेंटर आप जा रहे हो ना, जो भी सेंटर आपका अलॉट हुआ है 24 से 30 बीच के जैन के अंदर, जो भी आपके एग्ज़ाम का डेट है, तो सेंटर पे क्या करो कि आप 2 घंटे पहले विजिट कर जाओ, ठीक है, 2 आवर्स पहले विजिट कर जाओ। क्योंकि एंड द टाइम उन डेट से 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर के अंदर एंट्री कर देते हैं, उसके बाद आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। और दूसरी चीज़ होती है फ़ोटोज़ में मैंने गलती किया थी कि मेरे पास फ़ोटो एक थी और वहाँ पे 2 फोटोज़ चाहिए थी। तो क्या करना कि अगर जिस जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फ़ोटो सबमिट की थी वही सेम फ़ोटो आपको मिनिमम दो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा 2 से 3 आप लेके चलो साथ, ठीक है। अब 3 फोटोज़ लेके चलो अच्छी, मतलब कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट की थी वो वाली चीज़ के लेके जाना। और तीसरी चीज़ होती है, आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड तुम्हारा लगेगा। सो आधार कार्ड आप कैरी करना। और अब मैं बात करूंगा कि आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। फ़ोन बैन है, ठीक है, आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ना बहुत दूर से आते हैं, सो उनको फ़ोन ले जाना कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है उनके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार ना सेंटर के वहाँ पे एक अपना एक कह दो कि आप वहाँ सेंटर के बाहर उनका कुछ अपना ही कुछ एक होता है, उसको क्या बोल सकते हैं आप, कि जहाँ पे आप सिंपली अपना सामान या बैग या फ़ोन या कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आप वहाँ पे जमा कर सकते हो। एंड द टाइम जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप उनसे ले लोगे। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि उनके सेंटर के साथ ही वहाँ पे था कि आप अपना सामान जो भी आप अक्सर सामान कैरी करते हो वो आप सबमिट कर सकते हो। मे बी स्टूडेंट्स के पास नोटबुक्स होते हैं या बुक्स होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, फ़ोन हो, तो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या एक बार क्या हुआ था कि लेदर की बेल्ट भी बैन है, तो वहाँ पर भी आप उस चीज़ को खोल के जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है मास्क एक लेके जाइएगा, ठीक है, अपना खुद का ले जाइए। तो पिछली बार तो सेंटर में दिया था, इस बार का मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए एक मास्क ज़रूर लेके जाइएगा। और दूसरी चीज़ होती है पेन, ठीक है, तो सेंटर वाले पेन भी देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना खुद का पेन एक कैरी करो। बाकी वहाँ पर आपको पेपर वगैरह देते हैं, शीट्स वगैरह देती हैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो बाकी आप कोई चीज़ लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेन लेके जाइएगा, ठीक है। आप शू में जा सकते हो, ठीक है, प्रॉपर आपकी ड्रेस अच्छे से जाना, ठीक है, बिल्कुल एक हैप्पी मूड से एकदम स्माइल सा फेस लेके, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा वो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन एंड द टाइम जब सेंटर जाते हो, ठीक है, एक अच्छा सा फेस, स्माइल सा फेस लेके जाना ताकि आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे। और चीज़ों की अगर बात करें तो जैसे बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि सेंटर विज़िट करते समय कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें ज़रूर कैरी करना। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन मत करना यार, क्योंकि मुझे एक चीज़ मेरे से पता है जो मैंने एक गलती की थी कि मेरे सामने ना बहुत ज़्यादा झुंड आ गया था, मतलब झुंड इन द सेंस कि सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े थे और वो सब अपना अपना कुछ ना पढ़ रहे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो उन चीज़ों को देख के ना मैं उनसे क्वेश्चन पूछने लगा जो मेरे से डाउट थे, तो मैं पूछने लगा ना, तो
वो जिस क्वेश्चन को मैंने पूछा वो आंसर मुझे नहीं आता था और उन्हें भी आता तो उसने कॉम्प्लिकेट करके मेरे को बता दिया, तो जितना मैं समझा उससे ज़्यादा मैंने पिछली चीज़ों को भूल गया। तो आप अवॉइड करना यार, ज़्यादा डिस्कशन मत करना जब सेंटर पहुँच गए हो, उससे पहले आपने जो पढ़ा है वो ही रखना, ठीक है? बिल्कुल माइंड एकदम शांत रखना और पॉजिटिव माइंड से आप पेपर देने जाना, बहुत रिलैक्स से देना, ठीक है? कंफर्टेबली देना, 3 आवर्स होते हैं, ठीक है? ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिएगा और एंड द टाइम, अभी देखो जितने भी दिन पड़े हैं 5 8 दिन पड़े तुम्हारे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो, रिविज़न करो, ठीक है? और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा बाकियों की तरह कि अगर कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तो मत ही करो, बाकी जितना भी पुराना है तुम रिविज़न करो, ठीक है? और अच्छे से देना एग्ज़ाम। और जो तुम्हारा एडमिट कार्ड है, ये तुम्हारा 20 जैन तक आ जाएगा, ठीक है? 20 जैन तक आ जाएगा, ठीक है? 24 जैन से। अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट सेशन का जो एग्जाम कार्ड है वो तुम्हारा 20 जैन तक आ जाएगा, ठीक है? 20 जैन तक आ जाएगा तुम्हारा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड को देखो यार पढ़ना बहुत अच्छे से, ठीक है? इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एक बार रीड कर लेना। और दूसरी चीज़ होती है कि वहाँ पे एक तुम्हारा एक थंबप्रिंट लगेगा, ठीक है? और दूसरा एक तुम्हारा एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर होगा। तो प्रॉपर ही सारी चीज़ें कर लेना एक बार, अच्छे से एडमिट कार्ड अपना पढ़ लेना प्रॉपर, और जो चीज़ कैरी करनी हो चीज़ कैरी करना। और यहाँ 20 जैन तक तुम्हारा आ जाएगा 24 जैन से। फर्स्ट सेशन का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो जो भी पहले सेशन के लिए अपेयर हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो प्रॉपर ये वाला देना, ठीक है? और बाकी कोई भी चीज़ आपको लगे ना हो तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी के बीच में ये वीडियो, सो कोई भी चीज़ आपको ना समझ लगे, ठीक है, अगर कुछ पूछना होगा नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। और मिलते हैं जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसका मैं अपडेट दे दूंगा इसी चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी इस साल जेई का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच वॉचिंग।